बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी बेटा, अभी जो है ना वो मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ वो ये कि जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड क्या है कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो इनवाइस है, वो क्रेडिट नोट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उनसे हम जब डे बुक में लिख रहे होते हैं, जिन्हें बुक का प्राइम एंट्री कहते हैं, या उनकी एंट्री कर रहे होते हैं, या उनको टी अकाउंट में जिन्हें लेजर कहते हैं पोस्ट कर रहे होते, या उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं। यहां तक जो होता है ना, ये इसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इस सारे प्रोसेस में एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इंसान कर रहे हैं। हाँ, आप तो ये कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में चलता है तो वहां पे एरर के चांसेस कम होते हैं, एरर नहीं होती। अगर एरर हो भी तो वो ह्यूमन एरर होती है, सॉफ्टवेयर की एरर नहीं होती। तो इसमें अगर एरर हो तो सीन ये होता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होती है, इसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग हेड होते हैं कि अकाउंट कौन सा, जैसे सेल 20,000 वो क्रेडिट साइड पे, इनकम क्रेडिट साइड पे होती है, जैसे परचेज क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड पे होते हैं, जैसे मशीन ये एसेट है ये डेबिट साइड पे होते हैं, जैसे कैपिटल ये क्रेडिट साइड पे होते हैं इनकी नेचर। अब पेबल, किसी के पैसे आपने देने हैं, क्रेडिट साइड पे होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होते हैं, यानी वो जो भी डेबिट क्रेडिट पहले बात हो चुकी है, तो इनका जब टोटल करते हैं, मैंने कहा था वो बराबर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 20, 30 एंड 10 ये टोटल बन रहा है 60 का। यहाँ पे 60,000, 10,000, 70 एंड 5, 75,000 का। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, आपस में एग्री ना हो, तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। वो ट्रायल बैलेंस में भी गलती हो सकती है, वो लेजर पे भी हो सकती है, वो एंट्री करते भी हो सकती है, वो डे बुक में भी हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर हुआ है। अगर ये आपस में एग्री ना हो तो वही बैलेंस निकाल लेते होते हैं कि 75 और 75, बड़ी अमाउंट दोनों साइड पे लिखते हैं, जो स्मॉल बैलेंस वो लेस कर देते हैं, 75 में से 60 लेस करेंगे, तो इसको फिर सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ये उस साइड पे निकलता है जो साइड स्मॉल होती है, क्योंकि डेबिट का टोटल किया वो 75 है, क्रेडिट का टोटल किया वो 60 है, तो स्मॉल साइड है ना, क्रेडिट साइड स्मॉल साइड है, तो इसका मतलब सस्पेंस भी किस साइड पे निकलेगा? क्रेडिट साइड पे। सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसका मतलब अगर हम इसका टी अकाउंट बनाएं तो इसका क्रेडिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट क्रेडिट, क्रेडिट 15,000 इसका बैलेंस निकला है।
ठीक, ये सस्पेंस का मतलब होता है कि हमें सस्पेंस है कि कहीं पे कोई एरर है, मुश्तबे अकाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट निकलती हमें एरर का पता चल जाता है कि एरर्स हैं इसमें, फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एरर्स क्या हैं। तो यहां पे यहां याद रखिएगा कि कुछ चीजें जो आपकी लर्निंग के लिए आपके लेवल पे रह के मैं बात करता हूं कि कुछ ये जो एरर्स होते हैं ये हम कहते हैं जी डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का मतलब होता है बेटा जाहिर होना, बाई ट्रायल बैलेंस, और कुछ हम कहते हैं नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कुछ डिस्क्लोज होते हैं, कुछ डिस्क्लोज नहीं। डिस्क्लोज कब होते हैं? जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ना हो, तो इसका मतलब हमें फौरन पता चल जाता है कहीं पे कोई गलती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट को इक्वल होना चाहिए। और कई मरतबा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्रेडिट से इक्वल भी होती है, लेकिन फिर भी गलती होती। ट्रायल बैलेंस की इक्वल ना हो तो सस्पेंस अकाउंट है, तो गलती तो है ही है। कई मरतबा ये इक्वल होती है फिर भी गलती होती। हमें एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है तीन चार एंट्रीज देख के कि इसमें से कौन सी डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल बैलेंस होगी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस की साइड अगर इक्वल नहीं होगी तो फिर बेटा सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज पे किया, अगर इक्वल नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा। वो पूछ लेता है किन की वजह से सस्पेंस अकाउंट बनेगा, किन की वजह से बनेगा, जहां पे वो डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, या यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है। अब कैसे देखें बेटा, जब भी कोई एंट्री करते हैं, जैसे हमने परचेज की एंट्री की, हम कहते हैं जी परचेज डेबिट क्रेडिट परचेज की, पेएबल जिनसे की वो क्रेडिट हो गए 1000 1000। हर एंट्री में अमाउंट होती है और ये जो होते हैं इन्हें अकाउंट कहते हैं। हर एंट्री में अकाउंट होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट पेएबल अकाउंट, और अमाउंट होती है 1000 1000। एंट्री जो रिकॉर्डिंग होती है ये कंबिनेशन होता है अमाउंट और अकाउंट का, अमाउंट भी है और अकाउंट भी है। अब बात ये, हर एंट्री इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि उसके डबल इफेक्ट आना, एक डेबिट साइड आनी है और एक क्रेडिट साइड है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब कौन से एरर डिस्क्लोज होते हैं? अगर सिंगल साइड एरर हो, एक साइड पे गलती हो एक साइड सही हो, यानी डेबिट गलत है या क्रेडिट गलत है, दोनों में से एक गलत, तो फिर वो जो है वो डेबिट या क्रेडिट अगर गलत है कि एक साइड गलत है, डेबिट गलत है सपोज, तो फिर टैली नहीं करेगा, या सिर्फ क्रेडिट गलत है तो फिर भी टैली नहीं करेगा। डेबिट सिंगल साइड एरर है तो वो अपेरेंट हो जाएगा, यानी सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा, वो डिस्क्लोज हो जाएगा ट्रायल बैलेंस से। इसे अपेरेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपेरेंट एरर। और अगर डबल साइड एरर होगा
कि डेबिट भी गलत है और क्रेडिट भी गलत है। अब देखो ना, डेबिट पे 1,000 लिखना था, क्रेडिट पे भी 1,000, दोनों जगह 500-500 कर दें तो टोटल पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, टोटल कम होगा लेकिन होगा बराबर, यानी दोनों साइड पे इक्वल एरर हो तो टोटल बराबर निकलेगा। तो डबल साइड एरर हो तो वो क्या हो जाती, नॉट डिस्क्लोज बाई ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती। या फिर डेबिट वाली चीज को आप किसी और नाम से डेबिट करते हैं, या क्रेडिट वाली चीज को किसी और नाम से आप क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट साइड पे आनी है, उसको किसी और नाम से डेबिट भी करेंगे तो पहले भी डेबिट लिखा जाना था, बाद में भी डेबिट, तो एरर पकड़ा नहीं जाएगा। क्रेडिट वाली चीज को किसी और नाम से क्रेडिट कर दे, फिर भी एरर नहीं पकड़ा जाएगा। मसला क्या होगा कि डेबिट वाले को अगर आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो फिर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि डेबिट पे लिखना था, क्रेडिट पे लिख दिया, डेबिट साइड छोटी हो जाएगी, क्रेडिट बड़ी हो जाएगी। और यह क्रेडिट वाली साइड चीज को डेबिट पे लिख देंगे तो फिर एरर जो है वो बेटर डिस्क्लोज हो जाएगा। डेबिट को किसी और नाम से डेबिट या क्रेडिट को किसी और नाम से क्रेडिट करते हैं तो फिर एरर नहीं पकड़ा जाता। अब देखते हैं, इस छोटी सी एग्जाम्पल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक, रिकॉर्डेड इन प्लांट अकाउंट, चले रिपेयर ऑफ मशीन रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट, चलें सेल रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अलो रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट रिसीव्ड, चलें कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल, कस्टमर कहते हैं रिसीवेबल को, 600 रिकॉर्डेड इन बुक्स 500, चलें रेंट पेड 300 रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट 200। ये बना लेते हैं बेटा, इससे बात समझते हैं। अब हमने देखना है ट्रायल बैलेंस से जो डिस्क्लोज हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस से देखें, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज जब करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, रिकॉर्डेड इन प्लांट, प्लांट एसेट है, एसेट भी डेबिट होते हैं, परचेज एक्सपेंस है वो भी डेबिट है, परचेज को प्लांट लिखेंगे तो परचेज ने भी डेबिट होना था, प्लांट ने भी डेबिट होना था, डेबिट को डेबिट ही करेंगे, डेबिट को डेबिट ही करेंगे। तो ऐसी सूरत में ये नॉट डिस्क्लोज, ये पता भी
नहीं चलेगी, क्योंकि डेबिट साइड को किसी और नाम से डेबिट कर दिया। नॉट डिस्क्लोज को नॉन अपेरेंट एरर कहते हैं, कि जो अपीयर नहीं हुई। जैसे रिपेयर ऑफ मशीन, रिपेयर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट। अब वो मशीन अकाउंट रिपेयर भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और मशीन में लिख देंगे वो एसेट है वो भी डेबिट होता है। तो एक्सपेंस ने डेबिट करने के बजाय मशीन को डेबिट किया, तो एक डेबिट को दूसरा डेबिट ही दिया ना, तो एरर क्या रहेगा? नॉट डिस्क्लोज, पता नहीं चलेगा, नॉन अपेरेंट। फिर सेल, सेल इनकम है, क्रेडिट होती है। रिकॉर्डेड इन परचेज, परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होता है। अब क्रेडिट वाली चीज को डेबिट करोगे, तो क्रेडिट वाली को डेबिट करोगे तो ऐसी सूरत में एरर अपेयर हो जाएगा, डिस्क्लोज्ड बाई ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज्ड हो जाएगा। डिस्काउंट अलो, डिस्काउंट देते हैं तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट रिसीव, रिसीव इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो डेबिट को क्रेडिट लिखोगे तो ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा। फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर रिसीवेबल होते हैं, कैश रिसीव करते हैं कस्टमर से, तो कैश को डेबिट, कस्टमर यानी रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। 600 रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स एस का इजाफा है, 500, इसका मतलब दोनों बुक्स, बेटा प्लूरल फॉर्म है, इसका मतलब दोनों साइड पे गलती है। अगर दोनों साइड पे डबल साइड एरर होगी तो एरर नॉट डिस्क्लोज पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे गलती है। फिर रेंट पेड 300 रिकॉर्डेड इन रेंट अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट, सिर्फ रेंट अकाउंट की बात है, रेंट अकाउंट में 200 लिख दिया 300 के बजाय 200। एक अकाउंट में जब गलती होती है, सिंगल साइड एरर, एक में गलती होती है तो वो डिस्क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो डिस्क्लोज। तो ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि देखें कि कौन सा डिस्क्लोज होता ट्रायल बैलेंस से, कौन सा ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होता। अदर देन दिस, देखिए टाइप ऑफ एरर, एरर होते हैं कुछ, मैंने बताया ना हर एंट्री में अमाउंट होती है या उसमें अकाउंट होते हैं। अगर तो अमाउंट की भी एरर हो सकती है कि 500 की बजाय 600 लिख दिया, 500 की बजाय 300 लिख दिया, और अकाउंट की भी हो सकती है, जैसे रिपेयर लिखना था मशीन लिख दिया। अमाउंट पे जो गलती होती है ना, ये दो होती है, एक को कहते हैं जी ट्रांसपोजिशन एरर। कौन सी एरर? ट्रांस पोजिशन एरर, और एक को कहते हैं ओरिजिनल एंट्री एरर। ट्रांसपोजिशन एरर होते हैं कि डिजिट जो है चेंज विद साइड डिजिट, साथ वाले डिजिट से डिजिट चेंज हो जाए। जैसे आपने 715 लिखना था, साथ वाला 715 के बजाय 5 इधर लिख दिया, 51 लिख दिया, साथ वाला डिजिट अगर चेंज हो, जैसे 2982 लिखना था तो आप 2892 लिख दें, तो साथ वाले डिजिट से, साथ वाला डिजिट चेंज हो गया, अमाउंट गलत हो, तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। साथ वाला डिजिट, पहला डिजिट तीसरे से नहीं,
जो आपस में एक दूसरे के नेबर डिजिट है वो एक दूसरे से चेंज हो जाए, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ओरिजिनल एंट्री होती है आल, क्योंकि ये अमाउंट की एरर है ना, आल अदर अमाउंट एरर। अमाउंट की ट्रांसपोजिशन के अलावा कोई और गलती, जैसे 200 लिखना था, 200 की बजाय 300 लिख दिया, 200 की बजाय 500 लिख दिया, तो इस तरह की एरर जो है, 200 की बजाय 250 लिख दिया, तो ये ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। और अकाउंट की जो गलती होती है ना, वो भी दो तरह की होती है। एक को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, असूल की गलती, और एक को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दो। पढ़ा ना लेक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट लिख दो या नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस लिख दो। जैसे रिपेयर थी मशीन, रिपेयर एक्सपेंस है, हम अगर उसे मशीन के अकाउंट में लिख देते वो एसेट है। ठीक कि एक्सपेंस को एसेट, या मशीन खरीदी थी हम उसे रिपेयर में लिख दे तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, तो रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू। एरर ऑफ कमीशन होती है ऑल अदर, के इसके अलावा अकाउंट की ऑल अदर एरर ऑफ अकाउंट, अकाउंट की कोई और गलती। जैसे आपने परचेज लिखना था, उसकी बजाय सेल लिख दिया, रेंट लिखना था, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, तो यानी कोई एक अकाउंट की चीज दूसरे अकाउंट में लिखने से वो कमीशन हो जाती है। हाँ, एक्सपेंस को एसेट या एसेट को एक्सपेंस तो वो प्रिंसिपल है, उसके अलावा कमीशन है। फिर ये चार तरह की एरर ये होगी। एक होती है अकाउंट एरर ऑफ अमिशन, अमिशन होता है भूल गया, यानी नॉट रिकॉर्डेड, आपने लिखा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल की एंट्री करना भूल गए, या क्रेडिट सेल की एंट्री की डबल एंट्री होती है ना, एक साइड लिखी एक साइड लिखी ही नहीं, यानी ना लिखे तो एरर ऑफ अमिशन होती है। और एक कंपन सेट्री एरर होता है, कौन सा एरर होता है, कंपनसेट्री, ये होता है डबल एरर कि दो गलती करो, वन एरर डिलीट यानी कर देता इफेक्ट ऑफ अदर, के दो गलतियां करें कि एक गलती दूसरे का फर्क खत्म करते। जैसे एक जगह एक्सपेंसेस ज्यादा लिखे, एक जगह एक्सपेंसेस कम लिखे, तो ज्यादा लिखे कम लिखे कट गए, आपस में खत्म हो गया फर्क, तो इसको एरर ऑफ कंपनसेटरी कहते हैं। अब दो एक तो चीजें हम ठीक करते हैं, एरर को जो है तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करें एरर को। एक होता अंडर, कम लिखा है, या अमिटेड, लिखा ही
नहीं है, दोनों की नेचर सेम होती है, कम लिखें या ना लिखें दोनों की नेचर क्या होती है, सेम। एक होता ओवर, ज्यादा लिखा है, नहीं लिखना था आपने लिख दिया, यानी वो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा लिख दिया। और एक होती है रॉन्ग, साइडेड, कि डेबल लिखना था उसको क्रेडिट लिख दिया, या क्रेडिट लिखना था उसको डेबिट लिख दिया। तो इनकी रेक्टिफिकेशन जब इनको ठीक करना हो तो कैसे करते, अंडर या ओमिटेड हो तो सेम साइड जहां पे लिखना चाहिए था उसी साइड पे लिखते हैं। ओवर, एक जगह ज्यादा लिखा है तो उसे अपोजिट साइड, डेबिट पे ज्यादा है तो उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट पे ज्यादा है तो उसे डेबिट से कर दो, अपोजिट साइड पे। अगर रॉन्ग साइडेड है, डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट किया, तो फिर अपोजिट साइड पे विद डबल, कि डबल से फिर डबल अमाउंट से फिर अपोजिट साइड। अब देखे ना, आपने परचेज की ऑन क्रेडिट उधार पे, एंड डेबिटेड टू पेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड परचेज अकाउंट। हुआ क्या कि आपने परचेज की क्रेडिट पे, आपकी एंट्री होनी थी परचेज, क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट, पेबल क्रेडिट, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। कौन सी एंट्री है, करेक्ट एंट्री ये करनी थी। रॉन्ग आपने की क्या, कि डेबिटेड टू पेबल, पेबल को आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिटेड टू परचेज, परचेज को आपने क्रेडिट कर दिया, यानी आपने परचेज टू पेबल, क्रेडिट को टू भी कर देते हैं, परचेज टू पेबल करनी थी, आपने पेबल टू परचेज कर दी, उल्टी एंट्री। तो जहां उल्टी है तो उसको रिवर्स कर लो, परचेज को गलत क्रेडिट दिया, करना क्या था डेबिट, तो लिहाजा परचेज को अब क्या कर दो, डेबिट, पेबल को क्रेडिट करना था आपने उसे डेबिट किया, तो आप पेबल को क्रेडिट कर दो। इसे कहते हैं रेक्टिफाई, दुरुस्त कर दो, कि होना करेक्ट क्या थी, रॉन्ग क्या किया, अब उसको ठीक कैसे किया। दोबारा देखें, देखिए आपने कैश रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड, कि आपने रिसीवेबल से कैश लिया, रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड ओमिटेड है, तो कैश रिसीव रिसीवेबल से होता, तो आपने कैश को डेबिट, रिसीवेबल को क्या करना था, क्रेडिट। ये थी आपकी करेक्ट एंट्री। आपने एंट्री की ही नहीं है जीरो, नॉट रिकॉर्डेड, तो अब जाहिर है ये नहीं की तो भूल गए हैं, तो दोबारा सेम साइड पे कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ना, आपने रिपेयर टू व्हीकल, गाड़ी रिपेयर कराई, रिकॉर्डेड इन व्हीकल अकाउंट,
देखो, आपने रिपेयर कराई व्हीकल, तो आपने रिपेयर को क्या करना था? डेबिट। रिपेयर टू व्हीकल, रिपेयर एक्सपेंस आपने डेबिट करना था, आपने रिकॉर्ड कर दिया व्हीकल में, व्हीकल को डेबिट कर दिया, ये आपका करेक्ट था, ये आपने इनकरेक्ट कर लिया। अब उसको रेक्टिफाई सही कैसे करेंगे? रिपेयर को डेबिट करना था जो नहीं किया, अब कर देते हैं। व्हीकल को गलत हमने डेबिट दिया, इनकरेक्ट डेबिट दिया, अब उसको क्रेडिट करेंगे व्हीकल को, तो वो खत्म होगा ना, तो रिपेयर अब डेबिट हो जाएगी और व्हीकल क्रेडिट हो जाएगी। कि पहले आपको एंट्रीज होनी चाहिए, फिर आपको रेक्टिफिकेशन राम से आ जाएगी। पहले डेबिट क्रेडिट पे प्रैक्टिस करो जितनी की जाती है, फिर आपकी राम से इसकी हो जाएगी। अभी के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।